जिला गुरदासपुर के बटाला में आज इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस बैरिंग कॉलेज में करवाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध पंजाबी कवि शामिल हुए। वहीं मुख्य मेहमान के तौर पर समाज सेवी और संस्थापक पंजाबी भवन सरी कनाडा ने शिरकत की। वहीं विदेशों में बसे पंजाबी कवि भी शामिल हुए। बटाला में हुई इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए कवियों ने बताया कि इसका मुख्य मकसद है कि नौजवान पीढ़ी को पंजाबी भाषा और पंजाबी साहित्य से जुड़ना। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस कॉन्फ्रेंस का सानू हिस्सा बनने का मौका मिला। सुखविंदर अमृत जी मोहन जी जिन्होंने असं सिर्फ पढ़ते सी, अज उन्होंने मिलने का मौका मिला, उन्होंने बारे होर जानने का सानू मौका मिला। तो पंजाबी दे स्टूडेंट्स दे होने दे नाल जिथे सिर्फ पंजाबी पढ़ रहे सी, अज उस माँ बोली नू खुद महसूस करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं वड्डियां हस्तियां नाल मिल के उन्होंने रूबरू होकर काफ़ी माण महसूस हो रहा है। तो बहुत ही खुद नू खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं कि इस सौभाग्य दिन साडी भी जिंदगी विच आया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में शामिल कवियों और मुख्य मेहमान सूठी बाट ने कहा, अज बटाले विखे वेरिंग कॉलेज विखे ना एक रोजा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होया है। सम्मेलन का मुख मकसद जिहड़ा है वह अपनी माँ बोली नू अपने साहित नू फुरफुलत करना है। तो साडा भी पंजाब भवन सरी कैनेडा का भी एक कोशिश हुंदी है कि असीं देशां प्रदेशां दे विच जा के अपनी माँ बोली नू प्रफुल्लित करिए, तो अपने इस पंजाब नू उधर वाले पंजाब नाल एक पुल की तरह कनैक्ट करिए, असीं तंदां जोड़िए। सो मैनू इस कॉलेज विच आके बड़ी खुशी है कि इस कॉलेज दे विच मैं धन्नवादी हाँ सुखजिंदर सिंह बाठ उन्हां दा, रिश उन्हां दा और प्रिंसीपल साहब दा जिन्हां ने सानू अज इत्थे मौका दिता है अपने विचार सांझे करन दा। ते आउण वाले कल लई साढ़े लिए एक राह खोलिया, एक दरवाजा खोलिया है कि असी पंजाब भवन सरी कैनेडा इस कॉलेज नाल आने वाले टाइम दे विच होर भी तंदा गुड़ियां करेगा, होर भी रिश्ते जोड़ेगा, आपस विच दान प्रदान होएगा, आना जाना होएगा और बहुत चीज़ों की सांझ होएगी। देखो जी, एक सच ये है कि साड़ी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है वाकया ही साहित तो कुछ दूर है, उहदे लई वैसे सानू ही उपराले करने पैने आ। और साडे वर्गियां नू मेरी उम्र वालियां नू कोशिश करनी चाहिए कि एक स्टैप पिछे होकर नौजवानों को पहला मोहरे लियान, उन्होंने उत्साह करने लिए अज के तरीके वरते जा, ना कि उ चौधर वाली गल मोहरे रख के कि एक चिंताजन विशा है कि साढ़े साहित साढ़े नौजवान जोड़े ने साढ़े साहित न जुड़ नहीं रहे। जिस तरह इस कॉलेज का पंजाबी विभाग है, इन्हों भी मैं बेनती करता कि वध तो वध साहित्यकारा नौजवान साहित्यकारा उत्साहित कर, उन्होंने सेहत नाल जोड़न, तो असी इन्हों दे नाल बाना बाह फट के इन्हों दे नाल तुरनू तैयार है। इत्थे कॉन्फ्रेंस जिहड़ी बटाला दे विच मैं अटेंड करन आई हाँ, वक्खरियां वक्खरियां मैनू अज 15 दिन हो गए आ कनेडा तो आई नूं होई नूं, तो वक्खरियां वक्खरियां जिहड़ियां कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड कर चुकी हाँ। गल हुंदी है पंजाबी दी, पंजाबीयत दी, पंजाबी भाषा दी। दुख उदों हुंदा है जदों गल तां असीं पंजाबी दी करदे हाँ पर जदों अमल नहीं हुंदा तो फिर उदों थोड़ा जिहा मन नूं हलूणा भी लगता है। जे असी अपने विदेशों में गल करिए, उत्थे भावें स्कूलों के रोज़ बच्चे इंग्लिश विच बोल इंग्लिश विच गल करते हैं पर घर असी उन्हां नूं जोर दिता जाता है कि पंजाबी विच गल करन। जदों इत्थों साडे भारत विचों भी साडे कोल विदेशों में मेहमान पहुँचते हैं तो बहुत खुश होंदे ने कि तुसीं अपने बच्चों नूं जोड़ के रखिया, पर सानू दुख उस वेले हुंदा आ जदों असी इत्थे पहुँचते हाँ कि वह अपने बच्चों के नाल घर के बच्चे जिहड़े पंजाबी और हिंदी बोलते आ। तो कई बार जाके जो असं उन्होंने पूछीदा भी है टीचर साहबान साढ़े उत्तर वक्रिया वक्रिया असं कॉन्फ्रेंस सैमीनार करवाई दे कनेडा दे विच, तो उन्होंने गल भी करी दी है भी तुसी पढ़ाउंदे सबजैक्ट तुहाडा पंजाबी आ, तुसी कॉलेजां दे विच स्कूलां दे विच पंजाबी पढ़ाउंदे हो तो तुहाडे बच्चे जिहड़े आ ओह क्यों तुसी ओह हिंदी नूं बोलदे आ, तुसी उन्हां नाल क्यों हिंदी दे विच गलबात करदे हो? तो वह कहिंदे आ सारा दिन इह स्कूलां दे विच जिहड़ा हिंदी पढ़दे ने पर उत्थे असीं गल करदे आ साडे बच्चे भी जिहड़े आ रोज़ ओह उत्थे इंग्लिश विच गल करदे आ, इंग्लिश ओह पढ़दे आ पर घर दे विच ओह ठेठ जिहड़ी ओह पंजाबी बोल लैंदे आ। दूसरी गल होई है कविता दी, इत्थे जिहड़ी अज कॉन्फ्रेंस दे विच कविता मैं समझदी हुंनी आ भी कविता साढ़े कोल जदों टुरदी है घर विच टुरदी है तो कविता जिहड़ी आ माहौल बदलदी आ, जिवें जिवें तुसीं बदलदे हो माहौल बदलदे हो कविता दा रंग भी बदलदा है। सो आओ गल करदे हाँ, जे गल करदे हाँ उहदे ते अमल भी करिए, गल्लां करिए, संवाद रचाइए, जिंदगी जिंदाबाद।
वहीं इस कॉन्फ्रेंस में दूसरा शिव कुमार बटालवी अवार्ड प्रसिद्ध पंजाबी कवि और अनुवादक जगदीप सिद्धू को दिया गया। बुलंद टीवी के लिए बटाला से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट।